करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार पर पिछले 4 साल में उनके ही सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने न जाने कितनी बार जुबानी हमले किए होंगे, जितने किसी विपक्ष सांसद ने भी नहीं किए होंगे। और ऐसे में जब भी संसद में वोटिंग संबंधित बात होती है तो सबसे पहले निगाह उन्हीं पर जाती है, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा जहर उगलने वाले शत्रुघ्न सिन्हा का आखिरी स्टैंड क्या होगा। तो वहीं आज विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पत्र जारी कर दिया, तो ऐसे पल में शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पार्टी का स्टैंड लिया है। तो वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने इस मामले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हमारे पास नंबर है, हमारा आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, मैंने बीजेपी को नहीं छोड़ा है और पार्टी ने भी मुझे नहीं छोड़ा है, और अभी तक मैं भाजपा में हूँ, मैं व्हिप का उल्लंघन नहीं करूंगा, अभी भी मैं भाजपा का समर्थन करूंगा। गौरतलब है कि विपक्ष ने जो कदम उठाया है, ऐसा लगता है ये कदम सही समय पर नहीं उठाया गया, क्योंकि पार्टी के पास नंबर्स ज्यादा है और विपक्ष का गणित एकदम कमजोर है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि पार्टी को खतरे में देख सिन्हा ने अपना स्टैंड अपनी पार्टी को ही दिया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।